हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर नंबर वन दैट इज फूड वेर डज इट कम्स फ्रॉम। इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड आज हम एक नए चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर टू की बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड के अंदर कौन से कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है राइट right? सो प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप्स की डिशेस के बारे में पढ़ा था और ये सब डिशेस बना के बनाने के लिए क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुछ चीजें चाहिए रो मटेरियल्स जिससे हम ये सब चीज डिशेस जो है वो बना सकते हैं तो so, ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है राइट right? तो so, ये सब चीजें के बारे में हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं क्लियर सो लेट स्टार्ट इस्टार्ट चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द चैप्टर नंबर वन वी मेड द लिस्ट ऑफ़ द फूड आइटम्स दैट वी इट चैप्टर नंबर वन में हमने देखा था कि हम कौन से अलग अलग वेराइटीज ऑफ़ फूड्स खाते हैं वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड द फूड आइटम्स इटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हमने वहाँ पर यह भी डिस्कस किया था कि अलग अलग जगह पर कैसी कैसी फूड आइटम्स खाई जाती है क्लियर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमील कुड कंजिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी अनदर मे भी राइस सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर राइट हम खाने के अंदर अलग अलग वेराइटीज़ खाते हैं जैसे कि दाल है रोटी है सब्जी है क्लियर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग फिश खाते हैं मीट खाते हैं अंडरस्टैंड तो ये सब चीज़ें अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड्स जो है वह हम हर रोज़ एज अ फूड ऑप्टेन करते हैं स्टूडेंट्स राइट सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है एक्टिविटी वन उसके अंदर लिखा है कि अवर मील्स यूजअली हैव एटलीस्ट वन आइटम विच इज़ मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ़ ग्रेन जो ग्रेन से बनी हो ऐसी एक आइटम तो एटलीस्ट होगी होगी दूसरी आइटम क्या हो सकती है स्टूडेंट्स जैसे कि दाल है या मीट है या वेजिटेबल्स है राइट right? कुछ लोग खाने के साथ कर्ड खाते हैं बटर मिल्क खाते हैं सो इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड बटर मिल्क एंड पीकल्स क्लियर कुछ लोग ये सब चीज़ भी खाने के अंदर यूज करते हैं अंडरस्टैंड? तो यहां से फिर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स यूज होते हैं एज अ फूड राइट कुछ टाइम पैसा भी पॉसिबल है कि हर रोज हमें ये सब चीज़ें खाने को ना भी मिले राइट सो समाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दैराइटीज इन अवर मील्स बट इफ वी ट्रैवलिंग हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो वी मे ईट वाट एवर अवेलेबल ऑन द वे वहाँ पे जो भी मिलता है उससे हम चला लेते हैं खाने में राइट सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ़ समर्स्ट टू ईट सच वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारी चीज़ें हम हर रोज़ खा सकें ऐसा पॉसिबल शायद ना भी हो क्लियर सो so क्या आप सोचते क्यों कभी कैसे सोचा है आपने कि क्यों सभी वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाने चाहिए अगर कोई इंसान हर रोज़ एक ही टाइप के फूड आइटम्स खाता है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पिज़्ज़ा पसंद है तो वो हर रोज़ पिज़्ज़ा खाएगा तो पिज्जा के अंदर स्टूडेंट्स फ़ैट होता है क्या होता है फैट्स बटर राइट घी उसके अंदर फैटी मटेरियल ज़्यादा होते हैं कंपोनेंट ज़्यादा होता है तो वो लोग हर रोज अगर वही आइटम्स फूड आइटम्स खाएंगे तो उनकी जो बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ है वो होगा नहीं तो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ़ फ़ूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़ स बिकॉज आवर बॉडी को क्या चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कम्पोनेंट्स चाहिए जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है वो कौन से कम्पोनेंट्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ क्लियर जिससे हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सो लेट स्टार्ट टू पॉइंट वन टॉपिक वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है तो वी नो दैट च डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रीडियंट्स हम जानते हैं कि जो डिश है जो हम खाना बनाते हैं वो उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इंग्रीडियंट्स यूज करके हम खाना बना सकते हैं राइट right? और ये सारे इंग्रीडियंट्स हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स प्लांट्स या तो एनिमल्स में से मिलेंगे विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स राइट दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स अंडरलाइन करना मैं जहाँ पे भी आपको बोलूं अंडरलाइन करना तो टेक्स्ट बुक में आपको अंडरलाइन करनी है राइट द इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर अवर बॉडी ये जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर या फूड आइटम्स है उसके अंदर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए जरूरी है और ये कंपोनेंट्स जो है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स द कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर आवर ग्रोथ दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिय क्लियर सो so, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि वॉट डू मीन बाई न्यूट्रिय सो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन दैट इज न्यूट्रिय मीन वॉट द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड ऐसे कंपोनेंट्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है राइट right? कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स तो देखो यहां पे द मेजर न्यूट्रिय इन अवर फूड आर नेम्ड लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामीज आर मेनली कंपोनेट्स ऑफ द फूड विच आर नोन एज न्यूट्रिय सो कौन कौन से न्यूट्रिय प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्रोटीन्स होता है फैट होते हैं विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं क्लियर है अंडरस्टैंड ये सब चीजें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है क्लियर चलो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या हम एक ही टाइप का खाना खाए तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में होंगे या तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर ये पांचों के पांच टाइप के न्यूट्रिएंट्स सारे फूड में अवेलेबल है नहीं क्योंकि हम क्या करते हैं वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ फूड कंपोनेंट ऐसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे कुछ फूड कंपोनेंट्स ऐसे जिसमें जिसमें से आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा राइट right? कुछ फूड्स ऐसे जिसमें आपको विटामिन और फैट्स मिलेंगे राइट right? तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही टाइप के फूड में अवेलेबल होते नहीं हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है ये फूड में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है सो लेट अस चेक विच कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन द विच फूड do all the food contains all these nutrients क्या सभी foods के अंदर सारे nutrients होंगे no with some special methods we can taste whether the cooked food or raw ingredient contains one or more these nutrients हम कुछ ऐसे simple method है जिससे हम taste कर सकते हैं check कर सकते हैं कि कौन सा component food के अंदर present है clear तो अलग-अलग components के लिए अलग-अलग taste -अलग है सो द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रियट्स बाकी के जो न्यूट्रिय है उसको उसकी कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के जो टेस्ट है वो ईजी है और सिंपल है राइट सो इसके लिए अंडरलाइन दैट थिंग फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी रिक्वायर्ड आयोडिन सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट्स एंड कॉस्टिक सोडा ये तीन चीज की ज़रूरत है तो अलग अलग कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए ये सॉल्यूशंस यूज़ होंगे क्लियर है स्टूडेंट्स सो लेट अस स्टार्ट द टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स सो ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रो मटेरियल्स आप पकाया हुआ खाना जो होगा उस पर टेस्ट करना और रो इन्ग्रीडियंट्स होंगे मतलब जो कच्चा है वेजिटेबल्स उस पर हम यूज़ करेंगे राइट right? उस पर हम टेस्ट करेंगे सो यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स आपको ये टेस्ट बहुत ही केयरफुली करने हैं और उसको उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है लिखना है क्लियर सो इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म देन यू कैन प्रिपेयर लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग द डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट तो फर्स्ट टेस्ट हम किसके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि फूड आइटम्स में क्या प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है अब बहुत टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो है जिसके टाइप बहुत सारे टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स के बट देर आर मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ अंडरलाइन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स हमारे फूड आइटम्स के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं स्टूडेंट्स बट हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या लिखोगे शुगर एंड स्टार्च क्लियर है सो आई होप आपको ये वीडियो या एक्टिविटी वन तक समझ में आ गया होगा इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस्ड अबाउट

प्रिपेयर कर देना जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन टिक करवाई फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आइटम्स फूड आइटम्स में जो कंपोनेंट्स है उसके नाम लिखो तो कौन से नाम थे पांच नाम थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स क्लियर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थैंक यू